गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 इन मैथमेटिक्स क्लास. इन दिस एक्सरसाइज वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6 to 8. ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन 1 to 5 इन अ प्रीवियस लेक्चर. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट लील वॉन्ट्स टू पुट ए पिक्चर इन अ फ्रेम. द पिक्चर इज 7 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड. तो आपको पिक्चर गिवन है जिसकी लेंथ क्या गिवन है, 7 3 by 5 सेंटीमीटर. टू फिट इन ए फ्रेम, फ्रेम जो गिवन है आपको, फ्रेम की जो लेंथ गिवन है वो है 7 3 by 10 सेंटीमीटर. इस पिक्चर को आपको फिट करना है इस फ्रेम के अंदर. तो पिक्चर की लेंथ ज़्यादा है, उसको हमें क्या करना है, ट्रिम करना है. तो ट्रिम करने के लिए मीन्स मुझे ये पार्ट हटाना है. तो कितना हटाना है वो पूछ रहा है ये. तो क्या करेंगे हम, फ्रेम की, पिक्चर की लेंथ में से फ्रेम की लेंथ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो रिमेनिंग पोर्शन, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3 by 10 सेंटीमीटर वाइड. द हाउ मच शुड बी द पिक्चर बी ट्रिम. तो कितनी पिक्चर हमें ट्रिम करनी है वो फाइंड करना है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट यू राइट द लेंथ ऑफ द पिक्चर. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पिक्चर, क्योंकि जो पिक्चर की लेंथ है वो लार्जर है. तो आपको राइट करना है लेंथ ऑफ ए पिक्चर इज इक्वल टू 7 3 by 5 सेंटीमीटर. आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लो. 5 × 7 + 3 by 5 ये हो जाएगा आपका 38 by 5 सेंटीमीटर. देन राइट द लेंथ ऑफ फ्रेम. फ्रेम की लेंथ गिवन है आपको 7 3 by 10 सेंटीमीटर. ये भी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है. राइट इन प्रॉपर फ्रैक्शन 10 × 7 + 3 / 10. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 73 by 10. अब ये लेंथ बड़ी है और ये छोटी है और आपको निकालना फिट करने के लिए. तो पिक्चर लेंथ ऑफ पिक्चर That is trimmed तो आपको माइनस करना है 38 by 5 सेंटीमीटर में से माइनस 73 by 10 बाई टेकिंग एलसीएम. एलसीएम इज 10 एंड 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 और 2 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे 76. 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 और 1 को 73. तो कितना ट्रिम करना आपको, 3 by 10 सेंटीमीटर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट रितु एट 3 by 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू. हाउ मच एप्पल डिड सोमू ईट एंड हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच. देखो, वन एप्पल इज गिवन, एक एप्पल आपको गिवन है, उसका 3 by 5 पार्ट कौन खाता है, रितु खाती है. रिमेनिंग पार्ट कौन खाता है, सोमू खाता है. तो यहाँ पे एप्पल कितना है, एप्पल की क्वांटिटी क्या है आपके पास, एप्पल है 1 एप्पल है और रितु ने खाया 3 by 5 पार्ट. तो इट मीन्स 1 में से 3 by 5 रिटन बाय रितु. तो आपको रितु का पार्ट लिखना है, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु. रितु ने कितना खाया, 3 by 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल. अब आपको रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग मीन्स जो उसके ब्रदर ने खाया है वो पार्ट निकालना है. फर्स्ट यू फाइंड द रिमेनिंग पार्ट ईटन बाय हर ब्रदर सोमू. तो 1 में से आप माइनस करोगे 3 by 5 पार्ट, तो वो किसका आ जाएगा, आपका सोमू का आ जाएगा. अगर हम माइनस करते हैं तो ये 5, यहाँ पे 1 राइट कर लो. 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 5. 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3. तो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका 2 by 5
थ्री बाई फाइव पार्ट किसने खाया? रितु ने। एंड टू बाई फाइव पार्ट किसने खाया? सोमू ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मच एप्पल डिड सोमू ईट? तो सोमू ने टू बाई फाइव पार्ट ऑफ एन एप्पल खाया। हु हैड द लार्जर शेयर? किसका लार्जर शेयर है? तो आपको इसका कंपेरिजन करना है। अगर हम इनका कंपेरिजन करते हैं तो क्या गिवन है आपको? थ्री बाई फाइव और टू बाई फाइव। कंपेरिजन करना ईजी है क्योंकि आपका फाइव क्या है? एलसीएम। तो थ्री एंड टू, लार्जर पार्ट आपका थ्री है तो लार्जर पार्ट ईटन बाय, सीधा राइट करो, लार्जर पार्ट ईटन बाय रितु। एंड हाउ मच आप इन दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो थ्री बाई फाइव, यही फाइंड कर लो। आपने फाइव एलसीएम लिया था, थ्री माइनस टू तो ये हो जाएगा आपका वन बाई फाइव। तो हाउ मच पार्ट, फर्स्ट आंसर इज रितु, सेकेंड आंसर इज द पार्ट रिटन बाई रितु बाय हाउ मच? वन बाय फिफ्थ पार्ट बाय रितु, क्योंकि रितु ने कितना पार्ट ज़्यादा लिया? शी हैड वन बाई फिफ्थ पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेवन। नंबर एट गिवन, माइकल फिनिश द कलरिंग ए पिक्चर इन 7x12 आवर, वैभव फिनिश द कलरिंग सेम पिक्चर इन 3x4 आवर, हु वर्कड लॉन्गर बाय व्हाट फ्रैक्शन? तो आपको गिवन है माइकल कितना टाइम लेता है 7x12 आवर एंड वैभव टेक टाइम 3x4 आवर। तो कंपेरिजन करना है तो फर्स्ट विल कंपेयर द फ्रैक्शन, हम दोनों का फ्रैक्शंस का कंपेयर करेंगे। अगर फ्रैक्शंस का कंपेयर करते हैं तो हमें क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। तो फर्स्ट वी विल कंपेयर दिस फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द एलसीएम? एलसीएम इज़ 12, दिस इज 7 एंड 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 3, 3 जा 9। तो कंपेरिजन में विच वन इज़ ग्रेटर? 3x4 इज़ ग्रेटर देन 7x12। तो ये तो श्योर है कि विच वन वैभव फिनिश कलरिंग मोर कंपेयर टू माइकल, वैभव टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू माइकल। तो आपको राइट करना है पहले आंसर में फिनिश कलरिंग सेम पिक्चर इन 3 बाय, हु वर्क लॉन्गर, लॉन्गर वर्क में कौन करता है? आपका वैभव मोर टाइम एज कंपेयर टू माइकल। अब ये कहता है बाय व्हाट फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन है आपका, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन के लिए आप इनको क्या करोगे? माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट। देखो जो लार्जर है वो क्या है? 3x4 है। तो फर्स्ट राइट द 3x4 देन सब्ट्रैक्ट 7x12, क्योंकि हमें नेगेटिव में वैल्यू नहीं चाहिए। देन एलसीएम इज 12, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 एंड दिस इज 7। तो व्हाट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज 2x12। तो दिस इज योर सेकंड आंसर एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट वी विल डू द कंपेरिजन, देन वी विल फाइंड विच वन इज मोर। तो मोर 3x4 है, देन वी विल सब्ट्रैक्ट 3x4 7x12 फ्रॉम द 3x4, देन दिस इज अ फ्रैक्शन, दे हैव टेक मोर। I hope you can do this exercise with the help of given explanation. Now, have a good day.